कुल उत्पादन को जानने के लिए हमने तीनों वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ा, परंतु सभी वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें तो यह किस प्रकार होगी? कई वस्तुओं का किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ना क्या उचित होगा? प्रत्येक उत्पादित और बेची गई वस्तु या सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतिम रूप से जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उनके मूल्यों की गणना करनी चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। माना कि एक किसान किसी राइस मिल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम धान बेचता है। इस प्रकार धान का विक्रय मूल्य 1000 रुपये हुआ। यहाँ किसान धान उत्पादन के लिए स्वयं के घर का बीज प्रयोग करता है, फिर राइस मिल वाला 100 किलोग्राम धान से 60 किलोग्राम चावल तैयार करता है, जिसे वह 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किसी मुरमुरा दुकानदार को बेच देता है। इस तरह चावल का विक्रय मूल्य 1200 रुपये हुआ। अगले चरण में मुरमुरा दुकानदार उस चावल से 55 किलोग्राम मुरमुरा तैयार कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ता को बेचता है। अतः उस चावल का मुरमुरा अंतिम उत्पाद के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचता है। इस उदाहरण में मुरमुरा दुकानदार के लिए धान एवं चावल मध्यवर्ती वस्तुएं हुई। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। यहाँ मुरमुरा का विक्रय मूल्य अंतिम वस्तु के रूप में 2750 रुपये हुआ तथा मध्यवर्ती वस्तु धान एवं चावल का मूल्य क्रमशः 1000 रुपये एवं 1200 रुपये हुआ। यहाँ धान, चावल तथा मुरमुरा के मूल्यों की अलग अलग गणना करना ठीक नहीं है। इससे एक ही वस्तु के मूल्य की गणना बार बार होगी। ऐसा करने से दोहरी गणना हो जाएगी। कुल उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन वैल्यू एडेड विधि। ऊपर दिए गए उदाहरण में धान, चावल तथा मुरमुरा के मूल्यों की गणना एक अन्य विधि द्वारा भी की जा सकती है। इस उदाहरण को एक तालिका के रूप में लिखकर समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण पर मूल्य जोड़ा जा रहा है, जिससे मूल्य संवर्धन हो रहा है। पहले चरण में धान का मूल्य 1000 रुपये है। चूँकि धान का बीज किसान के घर का था, उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा। दूसरे चरण में राइस मिल ने धान 1000 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में चावल बेचा। इस चरण में संवर्धन मूल्य 200 रुपये हुआ। तीसरे चरण में मुरमुरा कारखाने वाले ने चावल को 1200 रुपये में खरीदा तथा 2750 रुपये में बेचा, जिससे संवर्धन मूल्य 1550 रुपये हुआ। इस तरह किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यों में वृद्धि होती है, यही मूल्य संवर्धन कहलाता है।